फ्रॉम ग्रीस, आई गेस फ्रॉम जॉर्ज विथुलकास अकेडमी मैम, या सो काफी रिनाउंड विद्वान हेलो, हैं मैम, और वो ऑर्गेनन की क्लासेस भी लेती हैं, शी इज अ प्रोफेसर ऑल्सो, और झांसी में प्रैक्टिस कर रही हैं तो. और इन्होंने लीगा, जो लीगा मेटेरिया मेडिका की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहां पे पैरालिसिस के ऊपर एक पेपर प्रेजेंट किया हुआ है, और इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है कैंसर केसेस के ऊपर. तो मैम, डॉक्टर मोनिका गोस्वामी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ मैम. और आज का मैम का टॉपिक है केस, हाउ टू, मतलब कैसे हम केस टेकिंग में क्या क्या जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं, जो प्रथम स्टेप्स होते हैं मैम, उसके बारे में हमें आज इनपुट और नॉलेज प्रोवाइड करेंगी. तो मैम यू आर वेरी वेरी मच वेलकम, आप अपनी स्लाइड स्टार्ट कर सकती हैं. धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर साहब, और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज होम्योपैथी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी में हम लोगों ने शुरू किया है, और ये ऐसे ही अनवरत चलते रहना चाहिए। आज मेरा टॉपिक है केस टेकिंग पर। होम्योपैथी में 17 साल हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो मैंने देखे। केस टेकिंग एक बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज है। विदाउट, अगर प्रॉपर केस टेकिंग हो जाती है तो आपका केस बहुत इजीली आपके सामने से निकल जाएगा। अदरवाइज अगर आप कहीं पर केस टेकिंग को मिस करते हैं, प्रॉपर केस टेकिंग आप नहीं ले पाते हैं, या कुछ चीजें आप मिसिंग कर देते हैं, बस आपका केस वहीं से स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है केस टेकिंग। ये एक आर्ट है। इसको डे बाय डे हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, अपने डे बाय डे हर पेशेंट वेरी करता है केस टेकिंग। कोई फिक्स हमारे पास प्रोफार्मा तो फिक्स होता है कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या लेना है, लेकिन पेशेंट के साथ वो फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर फिक्सिडिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर केस एक अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नई चीज होती है, और हमें कैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा केस का एंट्री पॉइंट क्या है, या इस केस का टर्निंग पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं केस टेकिंग, कैसे हम अपने किसी भी केस को सबसे फर्स्ट इंस्टांस, मेरा टॉपिक है कि पहले ही एस्पेक्ट में आपको केस टेकिंग में फोकस किस पॉइंट पर करना चाहिए। तो जैसे ही पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एंट्री करता है, इवन हम अपने केबिन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में एंट्री करता है, केस टेकिंग तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि तो वो काउंटर पे जाता है, वहाँ पर कुछ पूछताछ करेगा, पैसा जमा करेगा। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं आर्गुमेंट करते हैं, बहुत सारा आपको वहीं से मेंटल मिलना शुरू हो जाता है, ये झगड़ा कर रहा था, या उस खिड़की पे बैठा हुआ पेशेंट, उसने बहुत आर्गुमेंट किया, बहुत सारे सवाल जवाब पूछे, क्या होगा कैसा होगा। तो ये स्टाफ आपको बताता है कि पेशेंट कह रहा है आपसे, तो आपका ऑब्जर्वेशन तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर आपके पास वो पेपर आता है जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा होता है, उसके बाद पेशेंट आपका एंट्री करता है आपके केबिन में। पेशेंट कुछ बोले, उसकी केस टेकिंग कुछ सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम. मैम आपकी कुछ स्लाइड्स हैं क्या मैम प्रेजेंटिंग? मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई हैं, ओके मैम, ओके देन दैट्स फाइन मैम. ठीक है तो मैम, ओके हाँ मैंने ओके स्लाइड्स नहीं हैं, हम लोग ऐसे ही वर्बली ओके अपनी श्योर, बात को यस मैम करते हैं। तो ओके. जैसे ही पेशेंट आपके केबिन में एंट्री करता है, बस वहीं से आपकी केस टेकिंग स्टार्ट होती है। और पेशेंट की उम्र क्या है, कद काठी क्या है, वो किस तरीके से आपके केबिन में एंट्री कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है, या उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसकी चाल ढाल, वो आपको किस नजरिए से देख रहा है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि आपके ऊपर कितना भरोसा है उस पेशेंट को, उसके साथ साथ वो पेशेंट आया किसके साथ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पेशेंट आया किसके साथ है। जैसे अगर
कोई अपने हस्बैंड के साथ आया है या कोई अपने दोस्त के साथ आया है। कई बार गर्ल्स अपने फ्रेंड के साथ आती हैं, तो वहां पर आपको एक एस्पेक्ट मिलता है कि हाँ ये बॉयफ्रेंड है या उसका फ्रेंड है या भाई है। कई बार कोई मेल या फीमेल पेशेंट किसी मेल एनदर हस्बैंड या वाइफ के अलावा किसी के साथ आते हैं, तो यहाँ पर आपके उसकी साइकोलॉजी का स्टडी मिलता है कि ये कौन हो सकता है, कैसा हो सकता है, इसके साथ उसका बिहेवियर क्या है, वो बहुत शाई नेचर का है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एब्रप्ट है। जैसे ही पेशेंट हमारे सामने बैठता है, हम उसके नाम से शुरू करते हैं कि आपका नाम क्या है, नाम के आगे कुमारी लिखा है या श्री है या श्रीमती है, इससे उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता चलता है कि वो शादीशुदा है या बिना शादीशुदा है। उसके साथ उसकी कास्ट, कास्ट बहुत वेरी करती है कि वो किस कम्युनिटी से आता है, उसका कास्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन और अनकॉमन फीचर उसके कास्ट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर वो बाय कास्ट ठाकुर है तो उसका गुस्सा, उसका इगोस्टिक, वो उसके लिए थोड़ा सा कॉमन हो जाता है। तो वहां पर हमें कास्ट को भी, उसका खान पान भी कास्ट पे बहुत कुछ निर्भर करता है। उसके बाद हम आते हैं उसके पेरेंट्स, या वो वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ या सन ऑफ, तो फादर उसके हैं या नहीं है, लेट एक्सपायर हो चुके हैं या अभी भी उसके फादर हैं, और उसकी उम्र क्या है, एड्रेस, उसका क्वालिफिकेशन, यहाँ पर डिपेंड करता है। उसके बाद जब हम उसका सिम्टम पूछना शुरू करते हैं कि पेशेंट की कंप्लेन क्या है, तो कंप्लेन के साथ साथ हमको कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सिम्टम पूछ रहे हैं, उस सिम्टम के साथ साथ हमें हर केस को इंडिविजुअलाइज करना है। तो पेशेंट आया घुटने की प्रॉब्लम लेके, लेकिन मेरे लिए वो घुटने की प्रॉब्लम से ज्यादा वैल्यू करता है कि पेशेंट की फीलिंग क्या है उस घुटने को लेकर के। तो हमको सिर्फ वहां पर सिम्टम्स को नहीं, सिर्फ सिम्टम्स को ही नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए, ओवरऑल इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करना चाहिए, या हमें पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करना चाहिए उस पेन के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट मेरे पास आई कुछ दिन पहले, उसको घुटने का प्रॉब्लम था। जब हमने उसे पूछना शुरू किया कि कहाँ पर दर्द है, तो बताया कि ये नी के बीच में है, लेटरल साइड भी है, मीडियल साइड भी है, और चलना बहुत मुश्किल होता है, और जैसे जैसे पेन बढ़ता जा रहा है मेरा चलना, लोगों से मिलना बंद हो रहा है। तो पूछा, लोगों से मिलना क्यों बंद हो रहा है? तो वहां पे पता चला कि कोई उसको टोक देता है कि अरे ये क्या हो गया है, आपकी उम्र के लोग तो बड़े अच्छे से चल पा रहे हैं। तो पेशेंट को फील होता है, गुस्सा आता है कि उसने मुझे टोका कैसे। तो एक लोगों लोग उसको टोक देते हैं, उसका इरिटेशन, उसका गुस्सा कि मेरा पेन, मैं अपनी लाइफ को फ्री तरीके से नहीं जी पा रही हूं, और लोगों का टोकना उस पेन को और बढ़ा देता है। तो घुटने का दर्द आर्थराइटिस से कॉमन फीचर, लेकिन जो वो टोकना, दूसरों का टोकना कि अरे आप चल कैसे रहे हैं, अरे आप इस उम्र में इतनी दिक्कत हो गई, कुछ चोट वोट लग गई है क्या, तो जिसकी वजह से उसने लोगों से कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। वो उसको लोगों के बीच में अच्छा लगता है, वो नहीं चाहती कि वो अकेले रहे, लेकिन जो उसका इरिटेशन है, जो वो उसका गुस्सा है दर्द की वजह से, और दर्द के साथ साथ लोगों का टोकना, जो ये उसकी प्रॉब्लम है, उसकी साइकोलॉजी को और ट्रबल क्रिएट करता है। तो लोगों से मिलना जुलना उसने धीरे धीरे बंद कर दिया। लोगों से मिलना जुलना बंद करने के साथ साथ वो पार्टीज में जाना बंद कर दिया, जिसको वो बहुत इंजॉय करती थी, या किसी किटी पार्टी में महिलाएं आजकल जाती हैं तो उसमें टोक दिया, अरे तुम तो कुएं के मेंढक ही बन के रह गई हो, तुम तो लोगों के बीच में निकलती ही नहीं हो। तो उसने एब्रप्टली उसको जवाब दे दिया कि ठीक है, मैं कुएं की मेंढक हूं, तो
तो ये जो उसका कन्वर्सेशन है, ये जो घुटने का दर्द इरिटेशन के रूप में उसके सामने आ रहा है, वो घुटने के दर्द से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए। तो हमको, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप सिर्फ घुटने के दर्द में, दर्द ही आपका सिम्टम नहीं है, आपका सिम्टम है उसका बिहेवियर, वो लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रही है, या अपने दर्द को उसका प्रेजेंटेशन क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेशेंट को उसके, जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं तो हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों ही एक्टिव होने चाहिए। मेरा ऑब्जर्वेशन, एक फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट की उस दौरान फीलिंग क्या है, आप फुल्ली उसको ऑब्जर्व, जितना आप क्विक ऑब्जर्व करेंगे, और राइट डाउन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट फील क्या कर रहा है, उसकी पूरी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना और राइट डाउन करना। तो आपके दोनों ब्रेन आपके एक्टिव होने चाहिए, लेफ्ट राइट, आपके सारे सेंसेस खुले होने चाहिए, आप अपने पेशेंट को ठीक से ऑब्जर्व कर पाए, कोई भी चीज मिसिंग ना हो, और ज्यादा बोलना नहीं चाहिए पेशेंट के सामने। हमको ये ध्यान रखना चाहिए हम कम से कम बोलें, और कोई भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जब पेशेंट बात करना शुरू करता है तो उस वक्त हमें क्लू क्या है, एक एंट्री पॉइंट क्या है, ये कोई फिक्स एंट्री पॉइंट नहीं हो सकता, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हमें फिजिकल कंप्लेन लेना है, फिर फिजिकल जर्नल लेना है, पास हिस्ट्री लेना है, फैमिली हिस्ट्री लेना है, कभी कभी घुटने के दर्द के साथ मेंटल स्टेट उसका सामने आ गया, तो वहां पर हमें तुरंत मेंटल स्टेट को कवर करना है कि फिजिकल कंप्लेन के साथ हम मेंटल पर भी जा सकते हैं। वो हमारा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है कि हम किसी केस के अंदर एंट्री कहाँ से करें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि माँ बेटी, और माँ बेटी अपने आप को दिखाने आई, उसकी माँ साथ में लेकर आई, और हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया। जब हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया, आपने देखा कि माँ के सामने बेटी आपको पूरी तरीके से कोई हिस्ट्री नहीं देने वाली है। कई बार आप अटेंडेंट आपको हिस्ट्री देता है, और कई बार आपको अकेले में हिस्ट्री बहुत अच्छी मिलती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस समय कौन सा क्वेश्चन पुट ऑन करें और किसके सामने करें। जैसे जब हमने उस महिला को उसके हस्बैंड के साथ हिस्ट्री ली, तो उसके हस्बैंड ने थोड़ा 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 बताया, फिर जब पेशेंट को मैंने उसके हस्बैंड को बाहर बिठाया, फिर उसकी हिस्ट्री लेना शुरू की, तो पता चला कि बहुत सारी इनसिक्योरिटी है उसके अंदर में। बाई पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट है उसके हस्बैंड की, और पूजा पाठ करने वाली महिला। पूजा पाठ इसलिए कि आज मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, और हनुमान चालीसा हम 2 बार पढ़ें ताकि रिजल्ट तुरंत मिले। मतलब कि पेशेंट कितना इम्पेशेंस है, एक भगवान के साथ बार्गेनिंग कर रहा है कि पूजा पाठ इसलिए कर रहा है कि हमारे बच्चों के लिए वो फायदेमंद हो, या एक इनसिक्योरिटी, बच्चे सब ठीक रहे या बच्चों का कैरियर अच्छा बन जाए, इसलिए वो पूजा पाठ। तो कहने का मतलब है कि एक फिजिकल सिम्टम्स के आधार पे सिम्टम्स हमारा कंप्लीट भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ इंडिविजुअलाइज भी होना चाहिए। हमारा मेन मोटो तो केस टेकिंग का यही है कि पेशेंट इंडिविजुअलाइज हो। तो जब हम प्रेजेंट कंप्लेन नोट करते हैं, प्रेजेंट कंप्लेन में एक चीज है कंप्लीट सिम्टम। कंप्लीट सिम्टम क्या होता है, जिसमें लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी, कॉन्कमिटेंट, कॉजेशन और ऑनसेट, कि कब से है। जब तक हम अपना पूरा सिम्टम कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक वो सिम्टम कंप्लीट, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिम्टम्स को कंप्लीट जरूर करें।
उसके साथ साथ उसकी मेंटल एस्पेक्ट को भी नोट करें, जैसे कि घुटने का दर्द, क्या करने पे घुटने का दर्द बढ़ जाता है? जब वो महिला चलती है तब उसके दर्द बढ़ता है, दैट इज वेरी कॉमन। जब हम लेटते हैं तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, दैट इज समवॉट इनकॉमन। या पंखे की हवा से उसका पेन एग्रीवेट कर जाता है, इंडोर एयर एग्रीवेशन। या कभी मौसम बदलता है, बादल या बारिश का मौसम होता है, उस समय मेरे घुटने का दर्द बढ़ जाता है। तो ये मोडेलिटीज हैं। सेंसेशन, सेंसेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर पेशेंट के लिए, कि पिंचिंग टाइप ऑफ पेन, या कोई सुई जैसा चुभा रहा है, या फिर लॉक रहा है, जिसको हम बोलते हैं थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ पेन। जैसे सरदर्द, सरदर्द है किसी पेशेंट को तो कोई हथौड़ा चला रहा है, हैमर लाइक पेन। या कौन से साइड का पेन है, लेफ्ट साइड पेन, राइट साइड पेन, अदरवाइज होल फोरहेड, टेम्पल्स, अल्टरनेटिंग। तो ये जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, कैरेक्टर हैं, तो आपको लोकेशन, पेन कहाँ पर है, सेंसेशन किस टाइप का पेन है, मोडेलिटी क्या करने पे पेन बढ़ जाता है, क्या करने पर पेन में आराम मिलता है। जैसे सर दर्द है तो बांधने से आराम मिलता है, या ठंडा पानी से धोने से आराम मिलता है, या कोई बर्फ की सिकाई करने से आराम मिलता है, या हम खुली हवा में चले जाते हैं उससे हमको आराम मिलता है। एसोसिएटेड कॉन्कमिटेंट सिम्टम, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, जो हमारे मेन बीमारी के साथ जो सिम्टम्स एसोसिएटेड है वो हमारे कॉन्कमिटेंट सिम्टम्स कहलाते हैं। जैसे सरदर्द है तो उल्टी जैसा हो रहा है, या सरदर्द है तो चक्कर आ रहे हैं, या सरदर्द के साथ हमारा पेट में दर्द भी होने लग रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्कमिटेंट सिम्टम्स। पेशेंट को कंप्लेन कब से है, कितना साल हो गया, और उसका कॉजेशन क्या है, ये समस्या कब से आई और क्यों आई। जब हम कभी किसी पेशेंट का हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं तो उससे सबसे पहला सवाल कि आपको प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर साहब मेरे घुटने में दर्द है, और क्या प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, और क्या प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, और क्या प्रॉब्लम है, पीरियड्स बहुत लेट आते हैं। तो जब तक पेशेंट अपनी सारी कंप्लेंट्स को नोट ना करवा दे, हमको उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के सिम्टम्स को नोट करते 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 फिर बाद में वन बाय वन उसके सिम्टम्स को कंप्लीट करना चाहिए। हर सिम्टम कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन जो कॉमन अनकॉमन जो कुछ भी मिल रहा है सभी कुछ लिखना है हमें। उसके बाद जब हम केस को इवेल्युएट करेंगे तब समझ में आएगा कि हमें क्या कॉमन है इसमें और क्या अनकॉमन है। उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन है उस केस को लेकर के, वो भी बहुत कंपलसरी है। अगर नी में प्रॉब्लम है तो एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है, या ब्लड टेस्ट, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, या आर ई फैक्टर तो नहीं है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो इन्वेस्टिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं पास हिस्ट्री में। पास हिस्ट्री हमारे लिए कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या मियाजमेटिक फैक्टर्स हैं, या क्या उसको वैक्सीनेशंस हैं, या कौन सी बीमारी के बाद ये बीमारी आई है। कई बार आपको सोरेसिस है, और सोरेसिस का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, सबसे पहले उसको एस्थमा हुआ या निमोनिया हुआ, निमोनिया की मेडिसिन लेते लेते जब हमने वो सप्रेस हुआ उसके बाद उसको सोरेसिस हो गया, मतलब कि वहां पर एलिमेंट फ्रॉम या हिस्ट्री ऑफ निमोनिया,
या कई बार वैक्सीनेशन के बाद से आपको प्रॉब्लम आया, तो पास हिस्ट्री आपके कॉजेशन का फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पास हिस्ट्री में कि बीमारी आई कहाँ से, कैसे शुरू हो गई वो बीमारी। तो पास हिस्ट्री का अपना एक बहुत रोल है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग केस को देख रहे हैं, मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद केस ठीक हो जा रहा है, लेकिन बार 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 वो सिम्टम्स आ जा रहे हैं। तो टाइफाइड फीवर की हिस्ट्री रही है, या मलेरिया की हिस्ट्री रही है, या इन्फ्लुएंजा की हिस्ट्री रही है, तो वहाँ पर हमको नोसोट की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको कैसे रूल आउट करें। तो इसलिए पास हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी केस टेकिंग में। देन आफ्टर हम लोग आते हैं फैमिली हिस्ट्री पे। फैमिली हिस्ट्री में जो प्रॉब्लम पेशेंट लेकर आया, क्या वो जेनेटिक है या उसकी फैमिली में किसी को वो प्रॉब्लम रही है। कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी है कि परिवार में किसी को भी नहीं है, फिर भी अचानक से आ गई, तो हमें उसके दादी बाबा, नाना नानी, मामा मौसी, बुआ चाचा, ताऊ, इन सबके कंप्लेंट्स को नोट करने की जरूरत है। वो भी हमको नोसोट के वक्त बहुत जरूरी होता है कि हमको फैमिली हिस्ट्री में, नोसोट के वक्त हमको फैमिली हिस्ट्री का नोसोट को डिसाइड करने के लिए फैमिली हिस्ट्री हमें सपोर्ट करती है। देन आफ्टर हम लोग आते हैं फिजिकल जर्नल। फिजिकल जर्नल में आपको क्या क्या कवर करना है कि भूख कैसी है, खान पान में आपको पसंद क्या है। जैसे उसने कहा हमको फल बहुत पसंद है, क्यों आपको फल क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है फल कि आपकी हेल्थ, हम जल्दी से ठीक हो जाए, हेल्थ की बहुत चिंता है, इसलिए हमको फल पसंद है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हमको फल पसंद है, हेल्थ से मतलब नहीं है, लेकिन आपको वहां पर माइंड के सिम्टम्स भी मिलते हैं, एंजाइटी हेल्थ अबाउट या एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिया फ्रूट्स डिजायर। तो दोनों ही इंडिकेशंस हैं यहाँ पर कि फ्रूट्स डिजायर आपकी इच्छा, इसलिए एंजाइटी हेल्थ अबाउट ओन, एक हमारे पास रिपर्टरी में रूब्रिक पड़ा हुआ है। तो वहां पर क्या खान पान, किसी को नॉनवेज बहुत पसंद है, अगर वो क्रेविंग है नॉनवेज की, बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं लेकिन कभी कभी खाते हैं, कोई ऐसी क्रेविंग नहीं है, लेकिन किसी को नॉनवेज की क्रेविंग है, चिकन डिजायर या मीट डिजायर, एग डिजायर, मिट्टी खाने की इच्छा, कुछ लोग कुछ भी पड़ा हो, चप्पल खाना, साबुन खाना, शैम्पू चाटना, ये सारी चीजें हमारी रिपर्टरी में पड़ी हुई है। तो केस टेकिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम किसी केस टेकिंग, अच्छी केस टेकिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रूविंग्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि मेडिसिन की प्रूविंग कैसे हुई, आपका उसका स्टडी, एक गहरा स्टडी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मेटेरिया मेडिका का एक अच्छा स्टडी होना चाहिए ताकि आपको केस टेकिंग में सपोर्ट मिल सके, हेल्प मिल सके। इसके साथ साथ रिपर्टोरियल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमको सिम्टम्स, हमारी रिपर्टरी का नॉलेज होता है और हम रिपर्टरी को पलटते रहते हैं, तो पेशेंट जो सिम्टम्स बोलता है वो हूबहू हमारे सामने आ जाते हैं। तो नॉलेज ऑफ प्रूविंग, नॉलेज ऑफ मेटेरिया मेडिका, नॉलेज ऑफ रिपर्टरी, ये केस ट्रेकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। देन आफ्टर हम लोग आते हैं कि फिजिकल जर्नल में उसका प्यास कैसा है, पानी, जीभ, किसी किसी की जीभ ब्लैक डिस्कलरेशन के साथ है, मैप्ड टंग है या इंडेंटेड टंग है, किसी किसी की जीभ क्रैक्ड है, डीप क्रैक उसमें है, और फ्लैबी टंग है, पॉइंटेड टंग है, रेड टंग है, प्यास कैसी है, पानी, कितना पानी वो पीता है, पसीना, पसीना का किस जगह पर पसीना ज्यादा आता है, पसीने का कैरेक्टर क्या है, कोई खुजली या जलन पसीने में पैदा होना, या कोई दाग पसीने में छोड़ना,
या किसी एक जगह पर पसीना आना, पसीना आने से बहुत आराम मिलना, पसीने में बदबू आना, ये सब बहुत सारे कैरेक्टर हैं, इंडलेस कैरेक्टर हैं। वो तो जैसा पेशेंट बोले हमें वैसा ही राइट डाउन करना है। उसके बाद हम लोग स्लीप में आते हैं, नींद। नींद में नींद कैसी है? किसी किसी को गहरी नींद आती है, किसी को सपने वाली नींद है, किसी की नींद इंटरप्ट होती है। कोई बोलता है कि मेरी नींद में सपने बहुत आ रहे हैं, कोई कहता है कि प्यास बहुत लगती है रात में, मुंह सूख जाता है, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल जाती है। कोई पेशेंट बोलता है कि हीट के फ्लैशेस होते हैं रात में, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल जाती है। किसी को यूरिनेशन की वजह से उसकी नींद इंटरप्ट होती है। तो नींद नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? किसी की नींद जरा सी आवाज आई नहीं तो उसकी नींद खुल गई। ये स्लीप के कैरेक्टर्स हैं। स्लीप में आप कैसे सोते हो, पोजीशन क्या है नींद की, करवट, पेट के बल, सिकुड़ कर, या चेस्ट पोजीशन में, या स्ट्रेट बैक ऑन पोजीशन। सम पेशेंट सेज कि हम बैठ के ही सो पाते हैं, मेरी नींद बैठ के ही आती है, हमको लेट ही नहीं पाते हैं। तकिया लेना या नहीं लेना, चादर ओढ़ना या नहीं ओढ़ना, ओढ़ना, जरूरत पड़ने पर चादर ओढ़ना, ये कॉमन फीचर है। किसी को बिना चादर ओढ़े नींद ही नहीं आती। कोई पूरा सर ढक के सोता है, कोई सर खोल के सोता है, कोई सिर्फ सर ढक के सोता है। किसी को घुटने में दर्द है, जिसकी वजह से वो चादर डाल के गर्मियों में भी सोता है, या फिर वो गर्मी में भी कंबल डाल के सोता है, एसी नहीं चल रहा है, बिना एसी के भी वो कंबल डाल रहा है अपने पैरों में गर्मियों में। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे रिपर्टरी में पड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें हर एस्पेक्ट को पेशेंट से पूछना जरूरी है। कंप्लीट सिम्टम होना बहुत, कंप्लीट हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। नींद में खर्राटे लेना या मुंह से लार आना, कुछ बड़बड़ाना नींद में, चौंक जाना नींद में, आंख या मुंह खुला रहना नींद में, डर जाना नींद में, या कोई सपना देखना, सपने में सेक्सुअल ड्रीम्स हैं, या भगवान के सपने, या सांप के सपने, या पानी बहुत देख रहे हैं, या ट्रेन ही छूट जा रही है, या एग्जामिनेशन छूट जा रहे हैं। ये सबके अपने अपने अलग अलग पिक्यूलियर फीचर्स हैं जो हमारी रिपर्टरी में पड़े हुए हैं और हमें हेल्प करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम को डिसाइड करने में। फिर हम लोग आते हैं मेंटल पर। मेंटल पे में कई तरीके के फीचर्स हैं, जैसे पेशेंट का बिहेवियर क्या है। पेशेंट एक्सट्रोवर्टेड है या इंट्रोवर्टेड है, या वो शाई नेचर का है, टिमिड नेचर का है, शक करने वाली प्रवृत्ति का है, कॉन्फिडेंट है, या कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, किसी भी तरीके का डर है उसके अंदर में। पेशेंट डॉक्टर के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहा है, बहुत इजीली अपने सिम्टम्स बता रहा है या घुमा के अपने सिम्टम्स को बढ़ा चढ़ा के बताना, या किसी भी एक सिंपल सी बात को बताने के लिए पूरी थ्योरी बताना, पूरा डिटेल उसको बताना। तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम अपनी लाइन से ना भटके। पेशेंट कई बार होता है कि अपनी बात को बताते बताते कुछ भी कहीं भी बताने लगता है, या बहुत ज्यादा इलेबोरेट करता है अपनी आप बात को बताने में, तो उसको हमें थोड़ा सा टोकना पड़ता है कि ताकि बात किसी और दिशा में भी ना जाए, हम अपनी लाइन से भी ना हटे। जितनी बात हमें समझ में आए हमें उतना राइट डाउन करना है और पेशेंट को भटकने भी नहीं देना है। जैसे उसका गुस्सा, गुस्सा कैसा है। कुछ पेशेंट का गुस्सा, गुस्से में अपने आप को मारना, दीवार में सर मारना या दूसरे को मारना,
चलते फिरते किसी को टीज करना, मतलब परेशान करने में किसी को मजा आए, जैसे मेंटल पेशेंट, मेंटल पेशेंट की हिस्ट्री बड़ी ही मुश्किल होती है लेना। जैसे एक पेशेंट मेरे पास आई कुछ दिन पहले, उसको खुद को मारने में बड़ा आनंद आता है। वो अपने आप को मारती है तो उसे अपने को कष्ट पहुंचाती है तो उसे और बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? उसको लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आखिर में क्यों ऐसा लग रहा है? हस्बैंड के रिलेशन दूसरी महिलाओं के साथ हैं। हस्बैंड कई सारी फ्रेंड्स उसकी दोस्त हैं। अब उसका सस्पिशियस है, ये सस्पेक्टेड नेचर की है, या एग्जैक्टली हस्बैंड के बहुत सारे रिलेशंस हैं। जब हम केस टेकिंग करते हैं तो उसके पास से हमको समझ में आता है कि वो सस्पिशियस नेचर की है या हस्बैंड उसको निग्लेक्ट कर रहा है। तो हस्बैंड के निग्लेक्शन की वजह से उसका एक चाइल्ड मंगोलिक चाइल्ड भी है, तो जिसकी वजह से उसको ये भी चिंता रहती है। तो खुद को मारना, सुसाइडल थॉट उसके अंदर डेवलप हो गए हस्बैंड के व्यवहार की वजह से। तो एक कहानी बनना कि उसकी लाइफ बेकार है, लोथिंग ऑफ लाइफ, जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से उसने कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट किया। और सुसाइडल अटेम्प्ट करने के साथ खुद को मारना, उसके साथ साथ अपनी बिटिया को भी मार देना, मारने की कोशिश करना, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। उसने फिनोफ्थेलिन की गोली दे दी, या चूहे मारने की दवाई दे दी, या उसको फिनाइल पिला दिया, बिटिया को भी पिला दिया, खुद भी पी लिया। इस टाइप की इंजरी की कपड़ों में आग लगा लेना, कपूर रख के अपनी स्किन में आग लगा लेना, लेकिन वो क्रूएल नेचर अपनी बेटी के साथ नहीं कर पाना। जो ये मेंटल स्टेट है, ये इसके पीछे कारण है। आखिर ये मेंटल स्टेट आया कहाँ से? हमें उस अकेले सिम्टम को देखने के साथ साथ उसके पारिवारिक माहौल को भी देखना बहुत जरूरी है। वो महिला हाउसवाइफ है, कहाँ रहती है, लोकेलिटी उसकी क्या है, किन लोगों के से घिरी हुई है। जैसे कि वो जिस मकान में रहती है, उसके जिस कॉलोनी में वो रहती है, वहां पर सब सीनियर सिटीजन रहते हैं, तो वो सब लोग ज्यादातर अपने घरों में रहते हैं। जिस घर में वो रहती है किराए पर, उस घर में अचानक से 4 साल पहले अंकल जी की डेथ हो गई, माता जी बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई, तो पूरा घर में अकेली रहती है। हस्बैंड 15-15 दिन बाहर रहते हैं, जब वो आते हैं तो अपने फोन में लगे रहते हैं। ससुराल पक्ष कहीं और रहता है, मायका पक्ष कहीं और रहता है, और उसका बेटा मथुरा पढ़ने चला गया। उसकी बेटी जो कि एक मंगोलिक चाइल्ड है, वो फ्री होके सड़क पे खेलने नहीं जा सकती। सड़क पे खेल बाहर कॉलोनी में मिलने के लिए भी कोई नहीं है। तो जो दुनिया में अकेलापन उसको लाइफ में मिला, कि हस्बैंड भी वो साथ नहीं दे रहा है, बहुत सारी महिलाओं के साथ उसके रिलेशन है, फैमिली वाले भी साथ नहीं है, बेटी भी ऐसी नहीं है कि उससे हम कुछ बात कर सकें, आसपास के लोग भी नहीं है। तो जो पेशेंट को जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, वो उसके डिप्रेशन का सबसे मुख्य कारण बना। एलिमेंट फ्रॉम निग्लेक्टेड, फॉर सेकेंड फीलिंग, या एलोन एग्रेवेट, जिसकी वजह से खुद में बहुत गुस्सा आना, खुद को मारने में आनंद आना, और लोथिंग ऑफ लाइफ, अब जीने की इच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाए। तो जो ये एस्पेक्ट है, जो ये पेशेंट के फीचर्स हैं, पेशेंट तो कंप्लेन कुछ और लेकर आता है हमारे पास, लेकिन एक होम्योपैथिक फिजिशियन का कर्तव्य है कि सिर्फ उसके कंप्लेन को ही नहीं सुनना, उसके पास से लेके, फैमिली से लेके, उसके मेंटल स्टेट को बहुत गहराई से सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हम उसके मेंटल स्टेट एक ठीक से ली हुई केस टेकिंग 70% केस को क्योर कर देती है। जब हम लोग, कोई हमारे पास वार्ड्स का पेशेंट आया,
एक बच्चे को वॉट्स हैं, उंगली में वॉट है, मत्थे पर है, गाल पे है, कान के पीछे है, तो हम वॉट्स में टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? रफ है या पॉइंटेड है या नेल्स के राउंड है, उन सब से हमारा टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं, पॉसिबल नहीं है। हमें उस बच्चे के स्वभाव को भी समझना पड़ेगा। सिर्फ थूजा या नाइट्रिक एसिड या कॉस्टिकम दे देने से कभी भी वॉट्स क्योर नहीं हो सकते, तो वहां पर हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम को लेना ही पड़ेगा कि बच्चे का खान पान क्या है, बच्चे का व्यवहार क्या है, बच्चे को क्या पसंद है, कितना खेलना पसंद है, उसकी पर्सनालिटी को जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम को जब फिट करते हैं। और जैसे कैल्केरिया का, बच्चों की बड़ी कॉमन मेडिसिन है सल्फर कैल्केरिया, बच्चे को कैल्केरिया काप दिया, 3-4 महीने में ही वॉट्स खत्म। थूजा से शायद, या कॉस्टिकम या नाइट्रिक एसिड से शायद वो खत्म नहीं होते, लेकिन जहां से हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकाला और उसको दवाई दी, 3 से 4 महीने में वो सारे वॉट्स गायब और ऐसे खत्म हुए जैसे कि कोई स्कार भी नहीं छूटा। तो होम्योपैथी में सिर्फ कंप्लेन के आधार पर हिस्ट्री एक अधूरी हिस्ट्री है, हमें उसको इंडिविजुअलाइजेशन हमारा बेस है, हमें उसको इंडिविजुअलाइज करना ही पड़ेगा। तो बच्चों की केस टेकिंग कैसे लेनी है एक अलग तरीका है, फीमेल्स की केस टेकिंग का बिल्कुल अलग प्रोफार्मा है, मेल्स का केस टेकिंग या किसी मेंटल पेशेंट का केस टेकिंग, सब अलग अलग तरीके के प्रोफार्मास हैं और हर पेशेंट की इवन हिस्ट्री अलग तरीके से होती है। बच्चों में बहुत कॉमन चीजें हैं कि कितनी जल्दी इंट्रैक्ट होता है बच्चा, या माँ से कितना अटैच है, या फादर से कितना अटैच है, या सबके बीच में सबमिसिव है, या अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, उसको बच्चों से दोस्ती कितनी गहराई से होती है, या हर किसी के साथ मिक्सअप होता है, डरता है बच्चा। बहुत छोटे बच्चे जो इन्फेंट हैं, सारे बच्चे अपने मुंह में उंगली तो नहीं डालते, कुछ बच्चे अंगूठा पीते हैं, कुछ बच्चे उंगली डालते हैं मुंह में, कुछ बच्चे सारा सामान जो भी आया मुंह में डाल लिया, कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, चूना निकाल निकाल के खाते हैं, या बच्चों के लिए नाखून खाना, खेलना खेलना बहुत पसंद है, दौड़ना भागना कहीं बैठना नहीं, या खान पान में उसको क्या पसंद है। तो बच्चे की हिस्ट्री, फीमेल की हिस्ट्री, मेल की हिस्ट्री, या मेंटल पेशेंट की हिस्ट्री, वन साइडेड डिजीज की हिस्ट्री, सबका एक अलग अलग कैरेक्टर है अपना। उसके बाद में हमें उस केस को लेना कैसे है, हर केस का अपना अलग वेरिएबल पॉइंट होता है। 5 पॉइंट हैं जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि किस केस को किस आधार पर हमको लेना है। कुछ पेशेंट हैं जिनको हम की नोट सिम्टम के आधार पर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, कुछ पेशेंट हैं एसेंस के आधार पर प्रिस्क्रिप्शन होता है, एसेंस मतलब जहां पर मेंटल और इमोशनल पेन को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कुछ केसेस हैं जिनको हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पे उसको डिसाइड करते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जो प्योर पैथोलॉजिकल केस हैं, जैसे एक पेशेंट है उसके पैर की जो ब्लड सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई और उसकी एक उंगली ब्लैक हो गई, काली पड़ गई। जब देखा कि जब एक अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला कि ब्लॉकेज है उसकी नर्व्स में, वेन्स में, और ब्लड सप्लाई पूरी प्रॉपर नहीं जा रही है, आर्टेरियल ब्लॉकेज है उसका। वहां पर हमने पैथोलॉजी तो देखी कि स्किन काली है, ब्लैक हो गई, वहां नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, साथ में गैंग्रीन डेवलप हो गया, बहुत बदबू आ रही है उसके वुंड में, ऑफेंसिव ऑर्डर है। उसके साथ साथ, पैथोलॉजी के साथ साथ उसका एक मेंटल प्लेन भी, कि दर्द किस समय ज्यादा बढ़ता है,
या मोडेलिटी क्या है? पेशेंट को पेन तो बहुत होता है ऐसे केसेस में, लेकिन उसका टॉलरेंस पावर कितना है? यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि उसका एग्रेवेशन टाइम क्या है, एम्यूलरेशन का टाइम क्या है, और जैसे टच से भी उसको दिक्कत हो रही है, एग्रेवेशन ऑन टच, या बहुत चिल्ला रही है दर्द में, करहना। वहां पर हमारे लिए पैथोलॉजी के साथ साथ ये सिम्टम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा केस पैथोलॉजिकल बेसिस के आधार पे ही हमको मेडिसिन का चुनाव करना है। तो अगर वहां पर हम पैथोलॉजी को प्रोमिनेंस ज्यादा देंगे और उन सिम्टम्स को जो उसके मेंटल सिम्टम्स हैं, पिक्यूलियर सिम्टम्स, उनको कलेक्ट करके, जैसे कि जरा सा पानी भी पड़ गया तो उसके दर्द हो गया, सेंसिटिव टू पेन, जरा सा कपड़ा भी टच हो गया तो उसको पेन बढ़ गया, सेंसिटिव टू पेन टच, इवन सिकाई करने से उसको बहुत आराम मिल जा रहा है, तो वार्म एप्लीकेशन एम्यूलेट। पेन नाइट में बढ़ रहा है ज्यादा, या पूरे टाइम पेन बना हुआ है लेकिन रात में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या 24 घंटे दर्द बना हुआ है, मूवमेंट करने पे दर्द आराम मिल जाता है, थोड़ा सा टहलने से उस दर्द में राहत मिल जाता है। इस टाइप के हमको पिक्यूलियर सिम्टम्स को ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेडिसिन, जब मेडिसिन की स्टडी हमको करनी होती है तो किंगडम के आधार पर स्टडी या ग्रुप वाइज स्टडी, जैसे काली ग्रुप है या नेट्रम ग्रुप है, कैल्केरिया ग्रुप है, उसकी स्टडी। कई बार हम जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं, हमारे पास सिम्टम्स को कवर करते हुए मेडिसिन कोई दूसरी आ रही है लेकिन उसका कैरेक्टर किसी और मेडिसिन का है, तो प्रिफर करते हैं कि हम कैरेक्टर के हिसाब से उस मेडिसिन का चुनाव करें। किसी भी केस को ट्रीट करने के लिए जब हमारी कहीं से केस टेकिंग एक आर्ट है, जिसको हम लोग जितना गहराई से पेशेंट को सुनते जाएंगे बिना इंटरप्ट के, और कोशिश करनी है केस टेकिंग के समय कि उसके पूरे ऑरा को सुने उसके। कई बार जैसे नेट्रम्यूर का पेशेंट है या बहुत इंट्रोवर्टेड पेशेंट है, वो इजीली अपनी बात को नहीं बताते हैं, इजीली अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, तो पहली सिटिंग में या फिर दूसरी सिटिंग में या तीसरी सिटिंग में आपको हर बार एक नए सिम्टम्स मिलते जाएंगे, उन सिम्टम्स को हमको कलेक्ट करते रहना है और प्रयास करना है कि हम उनके कितनी डीप, कितनी गहराई तक उनके सिम्टम्स को जा पाए। कितनी मेंटल प्लेन पेशेंट का बहुत आसानी से नहीं मिलता, कई बार बहुत इजीली मिल जाता है, कई बार हमको कई सिटिंग्स के बाद हमको मेंटल एस्पेक्ट मिलता है आसानी से। कोई एडल्टरस पेशेंट है, जैसे एक पेशेंट मेरे पास आई जब अपनी हिस्ट्री दे रही थी, प्रॉब्लम तो उसको पाइल्स की थी सिंपल, और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग उसको हो रही थी। जब जब मैंने उसकी माँ को बोला आप 5 मिनट बाहर बैठिए, उसके बाद फिर मैंने उसको खंगालना शुरू किया, पेशेंट पल्सेटिला थी, उसने बहुत इजीली अपनी जो भी हिस्ट्री थी कि कितने सारे लोगों के साथ उसके रिलेशन रहे, बॉयफ्रेंड कितने रहे, मात्र 22 साल की उम्र में उसके 4 लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशन रह चुके थे, तो पल्सेटिला जैसे पेशेंट तो आपको इजीली बता देंगे, लेकिन नेट्रोम्यूर जैसे पेशेंट आपको बहुत आसानी से नहीं बताएंगे कि उसकी हाँ सेक्सुअल हिस्ट्री क्या अच्छा रही है।
उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री क्या रही है। तो क्यों मैंने पल्सेटिला सोचा उसके बारे में, इसलिए नहीं कि उसने बहुत इजीली ये सारी चीजें हमको बता दी, इसलिए ऐसा नहीं है। नेटरम्यूर भी बता सकता है अगर उसको वो माहौल मिल जाए, सीपिया भी बता सकता है अगर उसको वो माहौल मिल जाए। उसको 1 महीने रिलेशन रहा, समझ में नहीं आया, फिर दूसरा रिलेशन, 2-4 साल, 2-4-6 महीने रिलेशन रहा, फिर उसके बाद फिर रिलेशन। और जो भी रिलेशन उसका बनता है, बस उसको लगता है कहीं उसको कोई छोड़ के ना चला जाए। तो डिपेंडेंट अटैचमेंट, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, और इस कल्पना मात्र से भी कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से उस पे उसके हिसाब से काम कर देना। तो कई बार बहुत जल्दी इजिली सेक्सुअल रिलेशंस बन जाना, और जो एडल्टरस हिस्ट्री है वो आपको अकेले में ही मिलेगी और बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। तो हिस्ट्री लेते समय इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसके सामने क्या सवाल पूछ रहे हैं, पेशेंट आया किसके साथ है। इससे भी आपको बहुत क्लू मिल जाता है कि हमको क्या सवाल पूछने चाहिए। इसके साथ साथ पेशेंट के स्वभाव पे भी डिपेंड करता है कि हम उसके सवालों के साथ एंट्री कैसे लें। कुछ पेशेंट होते हैं बहुत, उनसे अगर आपने सवाल पूछा कि आपकी लाइफ में कुछ सेक्सुअल हिस्ट्री है, उन्हें नहीं बताना है। कई बार ऐसा बोला हुआ है हिस्ट्री में कि नहीं, हम अपनी पर्सनल लाइफ किसी को नहीं बता सकते। अब आप जिद पे नहीं है कि नहीं आपको बताना ही पड़ेगा, कि जब तक आप बताएंगे नहीं हम कैसे पहुंचेंगे आपके करीब। तो हमने तुरंत वहां पे पॉइंट चेंज कर दिया। जैसे एक बार हिस्ट्री लेते लेते जब उससे पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं, तो हस्बैंड वाइफ ने देखा एक दूसरे की निगाह में, फिर उसके बाद बोला मेरे 2 बच्चे हैं। एक क्लू मिला वहां से कि बच्चे बताने के लिए एक दूसरे की निगाह में क्यों देखना पड़ा। इसका मतलब कहीं कुछ बात है जो छुपा रहे हैं। उस बात को वहीं छोड़ के आगे बढ़ गए, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। हस्बैंड को बाहर बिठाया और फिर उससे पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं। सही सही बताना, छुपाना नहीं। डॉक्टर साहब मेरे 3 बच्चे हैं। फिर तीसरा बच्चा कहाँ है? वो मेरे मौसी ने गोद ले लिया। जब मेरा तीसरा प्रेगनेंसी हुआ तो मुझे नहीं लगा कि हमें तीसरी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना चाहिए। सबने बोला, सास ने भी बोला, हस्बैंड ने भी बोला कि इसको हटा दो। फिर मेरी मौसी ने बोला कि हमारी बहू के बच्चे नहीं है, तुम ये बच्चा कर लो और हमें दे देना। तो हमने उनकी बात मान ली, 9 महीने तक हमने उस बच्चे को अपने अंदर पाला, और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं दे सकती इस बच्चे को। फिर वो सास और हस्बैंड और मौसी के फोर्स की वजह से हमें वो बच्चा देना पड़ा। चूंकि मौसी बहुत पैसे वाली हैं, जिसकी वजह से उन्होंने शुरू में तो बात करवाई उस बच्चे से, उसके बाद 6 महीने बाद बिल्कुल बात कराना, दिखाना, बिल्कुल सारा कांटेक्ट खत्म हो गया। और फिर वहीं से हमको एक प्रॉब्लम शुरू हो गई और मेरा बच्चा चला गया। तो आपको हिस्ट्री में कहाँ से क्या पॉइंट मिलेगा, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। जब आप हिस्ट्री लेते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है और आप एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पर पेशेंट क्या चीज छुपा ले गया, मेरा एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है। हम वहां से मौका देखकर उस एंट्री पॉइंट में जाएं, इमीडिएट उस पॉइंट को छुपा, बिल्कुल जब मौका मिले, वक्त मिले, तब आप उस एंट्री पॉइंट में के अंदर एंट्री लें। तो हर पेशेंट अपने आप में एक अलग वेरिएबल होता है। कोई फिक्स, अगर आप फिक्स रहेंगे तो आप कि हिस्ट्री कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। हमेशा हिस्ट्री लेते समय आपको, केस टेकिंग लेते समय आपको फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना है। पेशेंट
पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको वैसे ही ट्विस्ट करना है, और पेशेंट के अकॉर्डिंग आपकी हिस्ट्री डिसाइड होती है हमें किस तरफ जाना है। तो ये तो बहुत बड़ा, जी लगता है कि हम लोग टॉप करना चाहिए, है ना? जी जी सर, ये केस ट्रैकिंग तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसमें एक एक छोटे छोटे पॉइंट से बहुत सारी चर्चा की जा सकती है। ये एक नज़रिया, अभी सिर्फ एक छोटा सा नज़रिया है कि हमें केस को लेना चाहिए, सिर्फ आपको सिम्टम तक सीमित रहना चाहिए, आपको पूरा बॉडी एज ए होल पे जाना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट, फिर हमारा अगला सेशन अगले महीने फिर केस ट्रैकिंग को ही आगे बढ़ाते हुए ही होगा, क्योंकि इसमें और क्या क्या हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है जिसकी वजह से हमको यहाँ पर अपने वाणी को विराम कहना होगा। मैम, आपने काफी अच्छा इनपुट्स दिया, जिसमें कि जो बेसिक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर को ध्यान में रखनी होती है केस लेते हुए, क्योंकि हमारा वही है, ट्रीट करने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है एलोपैथिक डॉक्टर से। वो सिर्फ एक बेसिक सिम्टम के बेसिस पे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब नेहा करते हैं, हमारे लिए जी, डिटेल्ड केसिंग लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेहा हाँ जी, हाँ जी सर, जी, हाँ जी सर, मैं कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ। हाँ जी सर, केस टेकिंग का एक बड़ा अच्छा अप्रोच इन्होंने अपना जो लाइफ में एक्सपीरियंस को डॉक्टर मोनिका जी ने आपके सामने में रखा, हाँ जी हम सर, लोगों के सामने में रखा, हाँ जी बहुत हद सर, तक ठीक है। और इन्होंने बर्ड्स आई व्यू, हम लोग कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, उस तरह का प्रेजेंटेशन किया रहा। हाँ जी एक सर, चीज, मैं इसका जो इनिशियल थॉट्स होता है, केस टेकिंग क्यों करनी चाहिए, कैसे, किसकी, इसका महत्व क्या है, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर हैनिमैन का एक छोटी सी पुस्तिका है जो कि आप सभी जानते होंगे और सभी नाम सुने होंगे, फ्रैगमेंटा डी वेरिवस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस। यस सर, आपने शायद इस नाम का भी आपने विश्लेषण किया, फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस, इस नाम का विश्लेषण करेंगे। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? स्मॉल पीसेस, यस सर, टुकड़ा। उसके बाद क्या है मेडिकामेंटोरम, जो कि ऐसा टुकड़ा जो मेडिकामेंटोरम माने मेडिसिन की ओर इंडिकेट करेगा, कैसा करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इंडिकेट करेगा और में एक सिमिलम क्रिएट करेगा। तो कहते हैं कि पेशेंट से लक्षण हमें कभी पूरे नहीं मिलते, फ्रैगमेंटा, इसलिए डॉक्टर हनीमन ने कहा कि पेशेंट से हमारा जो सिम्टम्स होता है और रिपर्टरी में जो सिम्टम्स है वह उसी तरह से टुकड़े टुकड़े में पड़े हुए हैं, और हमें क्या करना है, हमें रोगी का एक तस्वीर बनाना है ना, रोगी का तस्वीर बनाना है, और तस्वीर बनाने के लिए सारे फ्रैगमेंट्स को जोड़ करके एक पूरा करना है, सारे टुकड़ों को जोड़ करके एक माला के रूप में पिरो देना है, जिससे कि आपको उसका एक दृष्टिकोण, आपको एक। अब मैं दूसरी बात और करूंगा इस फ्रैगमेंटा के एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन के साथ में, जो हम कहते हैं कि पेशेंट के केस टेकिंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या होता है, यह नहीं कि पूछना, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आप किस तरह से पूछ रहे हो, है ना, किस तरह से पूछ रहे हो। अपने हिंदी में एक बहुत अच्छा फिल्म सॉन्ग्स है, मैं कभी सुनाया था पता नहीं, आप लोग तो सभी को सुने होंगे, पुराना संगीत है, तस्वीर नहीं बनती, याद है, तस्वीर नहीं बनती टूटे दिगर से। मैं पूरा लाइन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसका थीम यह है कि तस्वीर नहीं बनती टूटे जिगर से, है ना, माने तस्वीर बनाने के लिए, जब हम बैठे हुए हैं सामने में, तस्वीर बनाने के लिए, एक पेंटिंग करने के लिए, एक पोर्ट्रेट क्रिएट करने के लिए, तो कहते हैं टूटे जिगर से। अगर आपका माइंड बॉडी एंड सोल इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लिनिक, यू आर नॉट केस टेकिंग पर्सन। अगर आप मन तन और शरीर से संपूर्ण रूप से क्लिनिक में नहीं बैठे होते हो, तो आपका केस टेकिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा टूटे जिगर से
और तस्वीर नहीं बनती। ये कविता कहानी मैं इस गाना को मैंने कई एक सेमिनार में मैंने इसको प्रेजेंट किया था, और इसके साथ में मैंने कहा कि ये बहुत कहते हैं कि सबसे पहली बात क्या होती है कि फिजिशियन शुड करेक्ट देमसेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप को तो सुधारो। और एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, पेशेंट फिजिशियंस हील दाई सेल्फ, अपना ही पहले ठीक करो, अपने ही ठीक करो। और डॉक्टर हेनिमन ने कहा अनप्रेजिड्यूस्ड ऑब्जर्वेशन, यस अनप्रेजिड्यूस्ड। आप क्या सोचते हैं, आपका दिमाग कभी अनप्रेजिड्यूस्ड हो सकता है? इम्पॉसिबल। कितने बड़े से बड़े संत हो गए, उनके दिमाग लेकिन फिर हेनिमन ने क्यों कहा कि अनप्रेजिड्यूस्ड ऑब्जर्वेशन, और आप कैसे अनप्रेजिड्यूस्ड रह सकते हो, कैसे रह सकते हो, है ना? आप रह ही सकते हो, आप एक किसी जाति के हैं, आपके ऊपर में संस्कार है, प्रभाव है, आपके ऊपर में काफी तरह का है, आपका परिवार है, परिवार का बोझ है, आपके सामने फाइनेंशियल पावर है, प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स हैं, एंड हाउ यू कैन फील दैट यू आर फ्री फ्रॉम द, आप किसी भावना से नहीं हो। और जब आप पेशेंट से रोगी पूछ से पूछते हैं कि क्या अच्छा लगता है, या पेशेंट से पूछते हैं कि आप कैसे अव्यक्ति हो, तो कहता है कि हमको गुस्सा बहुत आता है। वो कहता है ये आदमी तो बड़ा गुस्सैल है। वास्तव में गुस्सैल है कि नहीं है ये तो जज नहीं पूछ पाएगा अगर आप प्रेजुडिस्ड माइंड से देख रहे हो। लेकिन उसके लिए डॉक्टर हेनिमन ने क्या किया, प्रेजुडिस्ड माइंड को खत्म करने के लिए, प्रेजुडिसनेस को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एनालिटिकल, क्रिटिकल एनालिटिकल, क्रिटिकल एनालिसिस, माने दो तरफ यस नो यस नो, है ना? ऐसा है, आप जो भी सोचते हो उसको बोलो नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा होने हो सकता है, ऐसा होगा। एंड देन क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत बड़ा जमाना है, और इस चीज को हम लोग को सोच करके इसको करनी चाहिए। और अंतिम में मैं ये बात भी करना चाहूंगा, एक और जोड़ना चाहता हूँ, महाभारत कहानी। और महाभारत में गीता का बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल एपिसोड है हम लोग के साथ में, जो हम सभी पढ़ते हैं गीता को। कहा जाता है कि गीता एक मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट का एक पहली किताब है ना? लाइफ मैनेजमेंट को, अपना जीवन को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कहते हैं कि द फर्स्ट मैनेजमेंट बुक वॉज द गीता। गीता में जो कहानी है लिखी गई है, गीता में जो श्लोक लिखे गए हैं, क्या आप उसके लिखने के तरीके पर आपने गया कैसे हुआ? गीता का प्रथम श्लोक कहता है संजय वाचा। संजय कौन था, संजय कौन था? सर उसको एक पावर थी कि वो देख सकता था बिना हाँ, तो फिजिकली वही मैं कह रहा हूं, देखे संजय उवाचा किसको हुए। सुना रहा है कहानी, एक रनिंग कमेंट्री सुना रहा है ना? संजय कौन है, एक धृतराष्ट्र का एक सेवक है, जो कि जिसके पास में दिव्य शक्ति है कि वह दूर की चीज को देख सकता है। धृतराष्ट्र कौन है, अंधा है। आप इसको सिंबॉलिक लीजिए, आप इसको सिंबॉलिक लीजिए। मैं इस भावार्थ में, जब गीता को आप पढ़िएगा, अपना ध्यान से पढ़िएगा इसके कमेंट्री को, तो ये भावार्थ आपको सामने में नजर आएगा। हम कभी भी पेशेंट का हिस्ट्री डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हमको केस टेकिंग किसका करना है, केस टेकिंग किसका करना है, केस टेकिंग हम इस सामने बैठे हुए मूर्ति का नहीं करना है, केस टेकिंग हमारे वाइटल प्रिंसिपल का करना है। तो आपके अंदर में दिव्य दृष्टि संजय के जैसा होना चाहिए, जिससे कि आप केस टेकिंग कर सकते हो। तो साथियों, मैं बातों बातों में समय समाप्त कर दिया, और नेहा जी कह रही होंगी कि अब तो बंद करना नहीं चाहिए, सर, क्योंकि सर आपकी आपकी जो नॉलेज है वो तो सर सोने पे सुहागा जिसे कहते मैं हैं इसमें ना जोड़ने का कोशिश किया हूं, क्योंकि हाँ आप लोग भी राइट अपनी लाइन राइट राइट से सोचेंगे। ओके, तो अभी हम लोग आप आगे का चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, और नेहा जी, यस सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी महात्मा आ चुके मोहनानंद हैं, स्वामी जी का आप और उसके सारे बाद सर का सेशन भी। को चलो क्लोज कीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर, और मैम आपका भी। आगे के सेशन में हम और इसी तरह के इनपुट्स आपसे यू। हाँ, लेंगे। आप मोनिका जी, आप अगला इसका केस टेकिंग पर पार्ट को एक स्पेसिफिक एरिया को लेके चलिएगा, और आ जाए आपने आप बर्ड्स आई व्यू दिया, फिर इंडिविजुअल पार्ट्स को लेके चलेंगे। जी ओके सर, जी सर आप के जो भी शब्द थे उन
ओ, जो आपने बताया आप सबसे मोनिका बेसिक। जी आप समाप्त करें, हमारे इंग्लिश के होस्ट पिकअप कर चुके हैं। जी जी तो धन्यवाद। थैंक यू एंड ओवर टू यू डॉक्टर मनोज। आई हैव मेड यू द होस्ट एंड योर वैदेही गुप्ता इज ऑल्सो प्रेजेंट। आई हैव मेड हर को होस्ट ऑल्सो, सो यू कैन स्टार्ट नाउ। यस।